हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फर्स्ट नवरात्रि और ये शाम का वक्त है। मैंने पूजा कर ली है शाम की, और पूजा करते वक्त मेरा शूट करने का मन नहीं करता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैं पूरे ध्यान से पूजा करना चाहती हूँ। और ये मैंने पालक थोड़ा सा चॉप किया है, कुछ 10-12 पत्ते होंगे, 2 ग्रीन चिली चॉप कर लिया बारीक बारीक। ये आलू मैं डाल दूँगी इसमें, और थोड़ा सा डालूँगी कुट्टू का आटा, मतलब कुट्टू का फ्लोर होता है जिसको हम बकवीट बोलते हैं इंग्लिश में। ये सेंधा नमक गया और ये गए 2 चम्मच कुट्टू के। ठीक है, और ये इतनी जल्दी में मैंने बनाई है, मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, बाकी के मैंने पकौड़े बना दिए हैं। ये देखिए, ये थोड़े से बनाए हैं और ये मतलब मैं क्या बताऊँ, बस ना थोड़ा जल्दी में बनाए थे तो, और जल्दी में मैंने खाए, जल्दी से भाग के मैं गई। ये देखिए तल रहे, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो मैं जल्दी से भाग के घर, बाकी प्रैक्टिस में गई और फिर आके फटाफट से खाए। ये दही है, दही में काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, सेंधा नमक डाल दिया है। और ये रही मेरी सावक के चावल की खीर, मीठा भी बहुत ज़रूरी है। सुबह से कुछ नहीं खाया है, फ्रूट्स भी नहीं खाए हैं। और ये है मेरे पकोड़े, आलू के, पालक के, हरी मिर्च के, कुट्टू के, आटे के पकोड़े। ठीक है, तो ये यम्मी सी थाली, यम्मी सी मतलब यम्मी तो है, डिलीशियस दिख रही है। कायना भी मेरे साथ डेली खाती है व्रत का जो खाना होता है, बच्चे तो होते ही ऐसे, और मैं भी खाती थी जब मैं घर पे थी शादी से पहले। तो शादी के मतलब 6 साल बाद मैं व्रत रख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम घर की याद आ जाती है जब भी मैं खाने बैठती हूँ ना। मम्मी बनाती थी पहले, तो अभी भी बनाते हैं अपने घर पर अभी मम्मी मेरे साथ नहीं है यहाँ पर, तो मम्मी घर पे है, तो मम्मी को मिस करके मैं खाती हूँ। आई लव यू मम्मी। तो ये है मम्मी के हाथों का टेस्ट, लड़की के हाथ में आ ही जाता है। आप भी खाइए मेरे साथ, और आप क्या खा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सिंपल सी थाली है जिसमें दही है और पकोड़े हैं, जिसमें मैंने पालक आलू डाल के बनाए हैं। तो मैं अभी भगवान जी को भोग लगा दूँ, फिर मैं इसको खाती हूँ। ठीक है, सो मैंने अभी भगवान जी को भोग लगा दिया है और अभी मैं अपनी थाली खाती हूँ। ठीक है, तो पूरे दिन में बस 1/2 कप चाय, थोड़े से बादाम, थोड़े से मखाने, थोड़े से पीनट्स वगैरह खाएं, क्योंकि टाइम भी नहीं मिला उसके लिए, टाइम चाहिए रहता है। ठीक है, और टाइम नहीं होता है, हम काम में बिजी होते तो हमें भूख का भी ध्यान नहीं रहता है, तो ऐसे होता है। और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी गया, 1 बजे हमने पूजा करी सुबह की, क्योंकि हमने मंदिर वगैरह अभी लगाया था, शाम के टाइम नहीं लगाया था, तो मतलब कल शाम के टाइम। और यस, 1-2 बर्फी खाई जो कि मैंने बनाई थी, आपके साथ में शेयर कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वाला व्लॉग नहीं देखा है मॉर्निंग वाला, तो उसको जाके जरूर देख लीजिए। और मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है कि आपको नवरात्रों में जैसे भी, या फिर मतलब कुछ और पूजा भी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए रहती हैं, मतलब जो आपको ईजीली अवेलेबल हो जाए, वही चीज़ मैंने आपके साथ में शेयर किया है, जो मुझे लगता है कि हाँ चलो इससे काम चल जाएगा ऐसा। तो ठीक है, और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये मेरे शाम का रूटीन है जो कि 9 दिनों में रहने वाला है। कुछ अलग अलग मैं आपके लिए बनाती रहूँगी, जिससे कि मैं भी खाने को मिले मुझे भी, और आपके साथ में भी शेयर करना है ऑब्वियसली, कि मतलब हम व्रत रख के भी कितना टेस्टी टेस्टी खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो कल मैं कुछ और बनाने का ट्राई करती हूँ, कुछ और सोचती हूँ, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। ठीक, कल की मॉर्निंग में मिलेंगे या कल इवनिंग के व्लॉग में मिलूंगी मैं आपको, आपके साथ में सेकेंड डे तो जरूर शेयर करना बनता है, एंड आपको प्रॉमिस जो किया है, जबकि मैं प्रॉमिस पूरे नहीं करती हूँ हमेशा, मतलब लेट ही आते मेरे सारे व्लॉग, कोई बात नहीं। ठीक है, एंड हैप्पी नवरात्रि, माता रानी आपके घर पे कृपा बनाए रखे, आपकी सारी विशेज, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप जो भी चाहते हैं लाइफ में करना, वो सब पूरी हो, मतलब है ना। तो बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी।